और अब देखिए महाराज का माफीनामा। ग्वालियर रियासत के महाराजा माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिरकार प्रजा के सामने हाथ जोड़कर क्यों मांगनी पड़ी माफी, क्यों कहना पड़ा हमसे भूल हो गई माफ कर दो। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आपको समझना है। ये चुनाव पूरी देश देख रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार का झंडा बुलंद होगा क्या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोचा था कि सियासत में सिंधिया घराने का झंडा बुलंद होगा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बुलंदी का जो झंडा जमीन पर गिरा वो गिरता ही चला गया। सिंधिया घराने की पुश्तैनी सीट गुना शिवपुरी में मिली हार ने महाराज को माफीनामे के लिए मजबूर कर दिया है। महाराज को अचानक प्रजा की याद आई, भूल चूक सब याद आई, बोले हमें माफी दे दो। ये करने का आदत हमें बंद और उल्टा जैन समाज का क्षमावन, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाई और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हूं माफ करना। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। शिवराज सरकार में अपने कद्दावर 9 मंत्रियों के साथ प्रदेश की राजनीति में काफी मजबूत हैं। बावजूद इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंच से माफी मांगने की जरूरत क्यों महसूस हुई ये भी जान लीजिए, खुद सिंधिया जी की जुबान से ही सुनिए। मेरा संदर्भ था कि जब हम लोग ये वैश्य समाज के सम्मेलन, मैंने जैन समाज को सदैव कई मायनों में मैं प्रशंसक हूँ, और जैन समाज की क्या सोच है दोनों का उल्लेख मैंने किया। पहली सोच जियो और जीने दो, और दूसरी सोच क्षमावान कि जाने या अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करो। माफी करने से, मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। तर्क जो भी हो, लेकिन पर्दे के पीछे की वजह कहीं लोकसभा चुनाव में फिर से गुना शिवपुरी सीट पर नजर तो नहीं, क्योंकि भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन जिस ग्वालियर चंबल से सिंधिया घराने का वर्चस्व है उसी रियासत में सिंधिया की हार को कहीं अब की बार जीत में तब्दील करने का तो इरादा नहीं है। लेकिन कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि रहे और उनके साथ सेल्फी लेने वाले जिन केपी यादव ने बीजेपी के टिकट पर सिंधिया को लोकसभा चुनाव में पटकनी दी थी, वो सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल में है। क्योंकि अगर सिंधिया फिर से बीजेपी से इसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर केपी यादव का क्या होगा। तिल मिलाए केपी यादव अब सिंधिया को मूर्ख बता रहे हैं, सिंधिया के लिए विभूषण और अलंकार का अंबार लगा रहे हैं। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले खुल के भी कहा था कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं, तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। सिंधिया के माफीनामे की असल पिक्चर को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। गुना शिवपुरी सीट माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद 2001 में खाली हुई। 2002 में उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जीत मिली। 2004, 2009, 2014 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी सीट से जीते, लेकिन 17 सालों तक कब्जे के बाद 2019 में सिंधिया बीजेपी के केपी यादव से 125,000 वोट से हार गए। ये वही संसदीय सीट है जिसके बारे में कहावत बन चुकी है कि अगर महल से इस सीट पर कुत्ता भी खड़ा होगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। अब 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। जिस तरह से कांग्रेस सिंधिया पर हमलावर है उससे यही लगता है कि कांग्रेस का मुकाबला इस बार बीजेपी से ज्यादा सिंधिया से ही है। क्षमा किससे मांग रहे हैं? अच्छा, क्षमा मांग रहे, गलती महसूस कर रहे हैं।
अपने मुझे मुझे बताया कि सभी माननीय भाजपा के मंत्रियों ने अपने आईडी चेंज की है, शायद कोई डायरेक्शन हो। राजनीति के अपने पराभव को देखते हुए राजनैतिक कलंक ज्योतिराज सिंधिया जी, अब मुझे लग रहा है कि पश्चाताप की बेला अपना रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ गए हैं कि जीत के लिए अपनी प्रजा को खुश रखना जरूरी है। यही वजह है कि वो लगातार ग्वालियर चंबल में एक्टिव हो गए हैं, लगातार अलग अलग समाज के सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के हार से अब मध्य प्रदेश में तेजी से एक्टिव सिंधिया के तेवर बदल रहे हैं। इशारों ही इशारों में वो अपनी ही पार्टी पर तीखे हो रहे हैं। साधारण तौर पर जब बड़े बड़े लोग होते हैं, वे अफसरशाही से ही सलाह लेते हैं, पर जमीनी हकीकत अफसरशाही को इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं होती जितना जमीनी हमारा सरपंच और पार्षद को मालूम होता है। कल उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोग अधिकारियों से सलाह लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सिंधिया जी से कि बड़े बड़े लोग कौन हैं? क्या महाराजा से भी कोई बड़ा होता है? तो वे स्पष्ट करें कि बड़े बड़े लोग कौन हैं। माननीय सिंधिया जी, गलती माफियों की होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर जो पाप किए हुए हैं उसकी माफी तो इस जिंदगी में आपको ईश्वर भी नहीं देगा। बहरहाल सिंधिया के माफी मांगने के सियासी मायने जो भी हों, लेकिन ये तो तय है कि सिंधिया घराने का कद मध्य प्रदेश में बुलंद करना ही महाराज का मकसद है, चाहे इसके लिए प्रजा से माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े। वैसे लोकतंत्र और राजशाही में यही फर्क है, राजशाही जनता को झुकाती और लोकतंत्र जनता को उठाता है, और फिर जब वोट की चोट पड़ती है तो नेताओं को जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24।